क्या आपको खांसी सर्दी जुखाम से डर लगता है? क्या आप खांसी सर्दी जुखाम और छींकने के जल्दी शिकार हो जाते हैं? या फिर क्या आप सर्दी खांसी जुखाम से अभी भी जूझ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ ऋचा गुप्ता। वेलकम टू घर का मैजिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा घरेलू उपाय जिससे आप ऐसी सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अगर आप सर्दी जुखाम खांसी से पीड़ित हो तो आप जड़ से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चलिए इसका घरेलू सरल उपाय बताते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी तुलसी की पत्ती, जो आसानी से सबके घर में मिल जाती है। सबसे पहले मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है और इन चीज़ों को भी अच्छे से धुल लिया है। अब मैं एक खुराक बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 5 से 7 पत्ती तुलसी की, 1 पीपली ले रही हूँ, 2 गोल काली मिर्च, 2 दक्षिणी वाइट मिर्च, सफ़ेद गोल मिर्च, 1 इंच करीब अदरक धुल के साफ किया हुआ है। अब इसको मैं अच्छे से कूट के, ये पीपली गोल काली मिर्च सफ़ेद गोल मिर्च यानी दक्षिणी मिर्च आपको पंसारी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। अब इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। एक साफ छन्नी लिया है और ये छन्नी को मैं देखिए इस तरह चम्मच से पुश कर रही हूँ, ये जूस निकल रहा है। आप इसमें अपने हाथ का भी हेल्प ले सकते हैं इस तरह। अब ये जूस निकल गया है, लेकिन इसको मुझे फेंकना नहीं है। इसको आप देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो पहले ये जूस का यूज़ कर रही हूँ। ये जूस को किसी इसको स्पून में लेके हल्का सा गर्म कर लूँगी। अब इसको बहुत हल्का सा गर्म करना है, यानी गुनगुना सा, बस हो गया। गर्म करने के बाद इसमें जितना जूस है उतना ही, एक चम्मच जूस है तो 1 चम्मच में बराबर की मात्रा में शहद मिला रही हूँ। इसे मिक्स कर लूँगी। ये जो छन्नी के ऊपर ये सब बच गया है इसे मैं फेंकूंगी नहीं। इसे मैं एक बर्तन में लेके और 1 गिलास पानी के साथ इसे मैं बॉयल कर लूँगी। ये और थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉयल कर लूँगी। अब इसको मैं छान ले रही हूँ। अब इसे करना क्या है, इसे 2 काम कर सकते हैं। इसे गरारा यानी गार्गल कर सकते हैं, जिससे गले का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा और गले की शिकायत भी हो जाएगी। इसे आप काढ़ा के रूप में भी पी सकते हैं, क्योंकि कोई भी तरह का बॉडी पेन हो या थकान हो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसके सेवन के बाद आप इसको पूरा पी लें। अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है तब भी इसको बना के डेली 1 बार पिए। ये मैंने केवल 1 डोज बना के तैयार किया, यानी 1 खुराक। अगर आपको जितनी बार बना के पीना हो सुबह शाम, तो आप फ्रेश ही बना कर पिए। अगर खांसी सर्दी और कफ है तो आप 1 बार सुबह 1 बार शाम पिए। अगर आपको वैसे भी केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो आप केवल 1 बार रोज पीते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इस घरेलू उपाय को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप घर पे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।